अररिया के फॉरबिसगंज में बाढ़ का खौफ खत्म होने के बाद अपराधियों ने दहशत फैलाना शुरू कर दिया है, जिसका नमूना सरे बाजार देखने को मिला है। दरअसल यहां पर अपराधियों ने कारोबारी पर चाकू से हमला कर दिया और हाथ से झोला छीनकर चलते बने। घायल व्यवसायी मोहम्मद नौशाद अपनी दुकान बंद कर घर की ओर जा रहे थे, तभी बाइक सवार दो अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया। हमले में घायल कारोबारी को मौके पर मौजूद लोगों ने अस्पताल पहुंचाया है। इस घटना से लोगों में भारी आक्रोश है। दुकान से निकलते थे, साइकिल से निकले हम चलते हैं, तो झोला में कुछ सामान हुआ था, वही जो बचा हुआ था शाम का, जो दुकानदारी था 40,000 रुपया था, घर के लिए थोड़ा खाने पीने का सामान लिए थे, नींबू तीन भर था। तो यहाँ से चले दुकान पर, दुकान से चले तो जो है फैंसी मार्केट का जो मोड़ है, जो इधर मुड़ता है, वहाँ पर कोई मोटरसाइकिल सटाया हमारे गाड़ी में। हम कहे यार जान मार दोगे, धक्का मारते होगा। और फिर वहाँ से जो हम जैसे पहुँचे वहाँ लाल पक्का के सामने में, और ट्रांसफार्मर में जहाँ मुर्गी उड़गी बचता, तो आज 2 अक्टूबर था, उसका नड़ा था साला। हमारा क्या आदत है कि हम एकदम साइड से चलते हैं, वहाँ पर अपाची वाला आया भैया जी, हमको वो नीचे उतरा, हमको हाथ में मारा, बोला माँ खुला लाओ, झोला हम छोड़ दिए। वो जो है झोला लिया, बोला मारा मारा तो गोली मारो, गोली मारो। हम कहे हम कुछ नहीं बोले, हम तो हस्बैंड हो गया, हमारा खून निकल दिन लगा, साइकिल पकड़ के उधर गए। जाने के बाद जो है क्या नाम है, जैसे टेलर मास्टर जो है वो बेचारा बांध दिया हाथ में, हम उसको साइकिल दे दिए। हम ई रिक्शा किए, प्रणाम भैया, हम ई रिक्शा करके जो है यहाँ चले। झोला में क्या था? बोले ना सब्जी भी था, पैसा भी था। हाँ पैसा वही 43,000 रुपया। आदमी था मुंह में ऐसे बांधे हुआ था, एक नीचे उतरा, कुछ नहीं बांधे हुआ था, वही तो हम पर हमला किया ना। हमारा हाथ